नमस्कार एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने मोनेरा कंप्लीट कर लिया था और इस क्लास में हम प्रोटिस्टा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 3 किंगडम हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। प्लांटी और एनिमेलिया के लिए एक पूरा अलग चैप्टर है ना। तो 3 किंगडम हमें पढ़ने हैं, एक हमने कम्प्लीट कर लिया और आज हम प्रोटिस्टा शुरू करने जा रहे हैं। प्रोटिस्टा शुरू करने से पहले दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको पते होने चाहिए, अच्छे से आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, तो उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा नहीं मतलब एनसीईआरटी में ही है, बाहर का तो वैसे भी नहीं पढ़ाते मैं। तो आपको एक टर्म देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब होता है पानी में रहने वाला, पानी में रहने वाले। ठीक, जो पानी में रहते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म उनको हम एक्वेटिक कहते हैं। अब एक्वेटिक में भी आपको दो तीन टर्म देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक टर्म आपको देखने को मिलता है कि फ्रेश वाटर में रहने वाले। फ्रेश वाटर में रहने वाले का मतलब होता है सादे पानी में रहने वाले, सादे, ये मैं, सादे पानी वाले। ठीक है, जैसे कि तालाब में रहने वाले, ठीक, और नदियों में रहने वाले। ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर है, पीने योग्य पानी रहता है। ठीक है, एक होता है मैरीन। मैरीन मतलब होता है खारे पानी में रहने वाले, खारे समझते हो, जिसमें नमक होता है ना, जिसमें नमक होता है, जो नमकीन पानी होता है उसको कहते हैं खारे पानी, खारे पानी में रहने वाले, जैसे कि समुद्र में रहने वाले, महासागर में रहने वाले, इनको हम मैरीन कहते हैं। ठीक है, खारे पानी में रहने वाले। और एक चीज होता है स्टैग्नेंट वाटर में रहने वाले, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट वाटर में रहने वाले का मतलब होता है रुके हुए पानी में रहने वाले, रुके हुए पानी में रहने वाले। ठीक है, रुके हुए पानी में रहने वाले को हम स्टैग्नेंट बोलते हैं। स्टैग्नेंट मतलब होता है रुका हुआ। ठीक, तो स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी, जैसे तालाब का पानी होता है रुका हुआ, फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे नदी का पानी होता है तो फ्लो करता है, बहता रहता है, लेकिन तालाब का पानी रुका हुआ होता है। ठीक है, तो स्टैग्नेंट वाटर हम तो वहां पे यूज करेंगे टर्म जहां पे रुके हुए पानी में रहने वाली चीजों को, ऑर्गेनिज्म को हमें बताना होगा। ठीक है, तो ये तीन टर्म आपको अच्छे से आने चाहिए, ये तीनों हमें काम में आएंगे अभी। तो अब हम दूसरा किंगडम अपना शुरू करते हैं और इस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक, आप किंगडम प्रोटिस्टा पूरा लिख सकते हैं, सिर्फ प्रोटिस्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, यूकैरियोटिक मतलब मैंने बताया था आपको ऑलरेडी पिछले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन, एक सेकेंड, प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, इनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ठीक, जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले। ठीक, तो जितने भी एक सेल वाले यूकेरियोट होंगे उनको प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, जैसे कि अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। देखो, एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जिसे हम इगुलिना कहते हैं, कुछ इस तरीके से होता है इगुलिना ना, कुछ ऐसा मतलब एकदम इसी तरीके नहीं, कुछ इस टाइप से होता है इगुलिना। ठीक है, यहाँ पे फ्लैजेला होते हैं इसके पास। ठीक, तो ये युगलीना है। अब जो युगलीना है ये सिंगल सेल है, मतलब ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना होता है, और ये यूकैरियोटिक भी है। तो किस में रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में रखा जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, इस पर बनाना काफी टफ है ये, इसको कहते हैं हम क्लाइमेडोमोनास। मोनास,
अब क्लेमेडोमोनास भी यूनिसेलर है, यानी एक ही सेल का है, एक सेल से बना होता है। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, एक सेकंड रुक जाओ। यूनिसेलुलर और यूकैरियोट है ये भी, तो इसको भी कहाँ रखना चाहिए, प्रोटिस्टा में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे, अलग अलग किंगडम को आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो युगलीना है, युगलीना को तो हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, इसको तो हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, लेकिन जो क्लेमेडोमोनास है इसको हम प्लांटी में रखते हैं, किंगडम प्लांटी। तो ये बेसिकली एक तरह का प्लांट है, इसको प्लांटी में रखा जाता है, ठीक। हालांकि दोनों यूनिसेलर यूकैरियोट हैं और दोनों प्रोटिस्टा के अंदर आने चाहिए, लेकिन क्लेमेडोमोनास को हम प्लांटी में रखते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। हालांकि आप देखेंगे कि यूगलीना भी फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक। तो मतलब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अगर हम सिर्फ यूनिसेलर यूकैरियोट देख के ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंदर डाल लें, तो उसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलर यूकैरियोट है फिर भी वो प्लांट के तरह होते हैं। जो क्लाइमेटोमोनास है इसकी जो चीजें हैं वो एकदम प्लांट के तरह होती हैं, इसके करेक्टर्स जो हैं वो एकदम पेड़ों के तरह होते हैं, इसी वजह से इसको प्लांटी में रखा गया है। ये एक तरह का एल्गी होता है, ठीक है, तो प्लांट में रखा गया इसको। हाँ, वहीं पे युगलीना जो है उसको हमने रखा प्रोटिस्टा में। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, एक्चुअली किंगडम प्रोटिस्टा में एक चीज ध्यान रखना है आपको, इसकी जो बाउंड्री है वो सही तरीके से डिफाइंड नहीं है। बाउंड्री मतलब हम क्लियर कट डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर अपनी कंडीशन को हम मान के चले कि यूनिसेलर होना चाहिए और यूकैरियोट होना चाहिए, तो फिर दो ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर रखे गए हैं, जबकि दोनों को प्रोटिस्टा में होना चाहिए था, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, मतलब अच्छे से हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या रखा जाना चाहिए, किस तरह का ऑर्गेनिज्म रखे जाने चाहिए, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको अच्छे से याद रखना, बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा या फिर बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक सिंपल सी बात और भी याद रखनी है आपको, जो मोस्ट ज्यादातर प्रोटिस्टा जो होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, यानी पानी में रहने वाले होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एक्वाटिक का मतलब, स्टैगनेंट का मतलब और फ्रेश वाटर मेरीन इसका मतलब मैंने बताया है। मोस्टली या एक सेकंड कुछ अलग तरीके से लिखते हैं इसको, मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब ज्यादातर, मेजोरिटी ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टेंस, प्रोटिस्टेंस मतलब प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टेंस आर एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले होते हैं, ठीक है, ज्यादातर प्रोटिस्टा, ठीक। तो ये इतनी चीजें आपको प्रोटिस्टा के बारे में जनरल याद रखनी है। आप प्रोटिस्टा के अलग अलग पार्ट हम पढ़ेंगे, पार्ट मतलब अलग अलग ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने पांच ग्रुप में प्रोटिस्टा को बांटा है और उसी पांच ग्रुप्स को हमने पढ़ना है, ठीक। तो हम ए बी से डिनोट करेंगे, ए ग्रुप है हमारा क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स ये हमारा पहला ग्रुप है। क्राइसोफाइट्स में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डेस्मिड, ठीक। ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म क्राइसोफाइट्स में होते हैं। जो डेस्मिड्स होते हैं इनको कॉमनली हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, गोल्डन एल्गी कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये एल्गी है नहीं लेकिन हम कहते हैं, तो डेस्मिड्स को कॉमनली हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, ठीक ठीक है। और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में, तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। क्राइसोफाइट जो होते हैं ये प्लैंकटन होते हैं, प्लैंकटन का क्या मतलब होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। आर प्लैंकटन, अब प्लैंकटन का क्या मतलब होता है, दैट इज फ्लोट पैसिवली इन वॉटर करंट, ये वॉटर करंट में पैसिवली फ्लो करते हैं। पैसिवली फ्लो करने का मतलब क्या होता है कि जिधर पानी जाएगा,
जिधर पानी इनको ले जाएगा उसी साइड ये चले जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर कोई लोकोमोशन टाइप का ऑर्गन नहीं होता है, तो मतलब जिधर पानी इनको ले जा रहा, जिधर बाहर ले जा रहा, उधर ही चले जा रहा है। इसको हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि पैसिवली फ्लो कर रहा है, मतलब पानी की धारा जिधर जा रही है, वाटर करंट जिधर जा रही है, उधर ही चला जा रहा है, ठीक है। तो क्राइसोफाइट जो होते हैं ये प्लैंकटन होते हैं, ठीक। ज्यादातर क्राइसोफाइट जो होते हैं ये खुद का खाना बना सकते हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, क्या फोटोसिंथेटिक लिख देते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, राइटिंग बहुत खराब रही हो रही है ना, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। तो ज्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा था अभी ऊपर हमारे पास यूग्लिना था और क्लाइमेडोमोनास, दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे भी, और यहाँ पे बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है ना। तो क्राइसोफाइट जो होते हैं ज्यादातर फोटोसिंथेसिस होते हैं। अब देखो डायटम्स के बारे में हमें पढ़ना है, डेसमेट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन डायटम्स जो होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर करके यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, डायटम्स। बहुत गंदी राइटिंग है। डायटम्स तो डेसमेट के बारे में हमें एक ही चीज याद रखनी है कि उन्हें गोल्डन एल्गी कहते हैं। डायटम्स के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। जो डायटम्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, देखो डायटम्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ये इनकी सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल वॉल है और ये बीच वाला जो है वो मेन ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अब आप सेल वॉल देख रहे हैं, सेल वॉल में एक ऊपर की परत है, एक नीचे की परत है, और दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो जो डायटम्स की सेल वॉल होती है, डायटम्स की सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। ओवरलैपिंग मतलब आपस में एक दूसरे पे ये जुड़ जाते हैं, ओवरलैपिंग शेल दैट रिसेम्बल मतलब दिखने से ऐसा लगता है, रिसेम्बल्स लाइक अ सोप बॉक्स, साबुन की डिबिया जैसी, सोप बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में हमने साबुन रख दिया और बगल बगल हमने कवर लगा दिया, एक नीचे से कवर एक ऊपर से कवर, ऐसे बीच में हमने रख दिया साबुन, ठीक। तो जैसे साबुन की आपके यहाँ डिबिया होती है जिसमें साबुन रखा जाता है, उसी तरीके से ये देखने में लगते हैं सेल वॉल की वजह से। तो सेल वॉल दो कवर बना देती है और उसके बीच में इनकी सेल रहती है, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल वॉल होती है इसमें सिलिका नाम का स्ट्रक्चर वो पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है। सिलिका समझ लीजिए मिट्टी समझ लो या सैंड समझ लो। जो सिलिका होता है वो बेसिकली अनडिस्ट्रक्टेबल होता है या फिर इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो जो सेल वॉल होती हैव एक सेकेंड, हाँ इसी तरह के लिख लो या फिर एक सेकेंड रुक जाओ। सेल वॉल इज एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसे हुए होना, एम्बेडेड विद सिलिका। तो सिलिका नाम का एक कंपाउंड होता है, ये इनके सेल वॉल में पाया जाता है, विच मेक्स इट इनडेस्ट्रक्टिबल, इनडेस्ट्रक्टिबल। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब होता है जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके। तो इनकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है और सिलिका की वजह से ये इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, मतलब ये इनको खत्म नहीं किया जा सकता इनके सेल वॉल को। बेसिकली खुद तो मर जाते हैं लेकिन सेल वॉल क्या है वो रखी रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो मान लेते हैं ये एक मतलब समुद्र है और इसमें कई सारे डायटम्स हैं। अब डायटम्स जो हैं वो मरते जाएंगे और इनकी सेल वॉल जो है यही समुद्र में नीचे बैठती जाएगी। तो यहाँ पे इनकी सेल वॉल जो है खूब सारी इकट्ठा होती चली गई,
अब लाखों करोड़ों साल तक इनकी जो सलवाल है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, तो जो ये पाउडर टाइप का एक सब्सटेंस बन जाता है, क्योंकि सलवाल भाई बहुत छोटी है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल कलन है, तो यहाँ पे जब लाखों करोड़ों साल तक ये रहते हैं और इनकी सलवाल इकट्ठा होती जाती है, तो एक पाउडर पाउडर तरह का सब्सटेंस बन जाता है, इसको हम कहते हैं डायटमेसियस अर्थ। ठीक, तो अगला पॉइंट यही है, काफी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनडेस्ट्रक्टिबल है सेलवॉल, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। सेलवॉल ऑफ डायटम्स कीप्स डिपोजिटिंग, जहां पे ये रहते हैं वहीं पे डिपोजिट होती रहती है, मतलब इकट्ठा होती है, डिपोजिटिंग इन दियर हैबिटेट। हैबिटेट, ठीक, हैबिटेट मतलब इनके रहने की जगह, तो जहां पे भी रहते हैं यहाँ पे सेल वॉल डिपोजिट होती रहती है, दिस एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बिलियंस ऑफ सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड एज डायटेमेसियस अर्थ। ठीक है, एक सेकेंड, डायटेमेसियस अर्थ, ठीक है, तो डायटेमेसिस अर्थ आपको पता चल गया क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में। ये सेल वॉल का डिपोजिशन है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, ठीक है, करोड़ों सालों तक। ठीक, ठीक है, अब जो डायटेमेसिस अर्थ है इसका काफी काम भी है, इसका यूज भी है, तो जो डायटेमेसिस अर्थ है इसके बारे में हम दो तीन बातें कर लेते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पे डायटेमेसियस अर्थ। तो डायटेमेसियस अर्थ जो होती है ये ग्रिटी होती है, ग्रिटी मतलब समझते हो, खुरदुरी होती है। ठीक है, तो डायटेमेसियस अर्थ यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इज ग्रिटी इन नेचर, ये खुरदुरी होती है, आप छुएंगे तो आपको खुरदुरा टाइप का लगेगा। ठीक है, इज ग्रिटी इन नेचर, और इसीलिए इसको कई चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि पॉलिशिंग में, ठीक है, जो पॉलिश आते हैं उनमें यूज किया जाता है, इसके अलावा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है, इसके अलावा सिरप्स में यूज किया जाता है, जो सिरप आती हैं उनमें यूज किया जाता है, तो इनके यूज अच्छे से याद रखिएगा, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप में इनको यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रिटी होने की वजह से, हल्का सा खुरदुरा होने की वजह से ये सारे यूजेस इसके काम आते हैं, और इसी वजह से जो डायटम्स हैं, क्योंकि ये डायटमेसियस अर्थ बना रहे हैं और ये काफी ज्यादा काम में है, मतलब काफी ज्यादा काम की है, तो इसी वजह से जो डायटम्स हैं आर कॉल्ड, डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है, डायटम्स आर कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ठीक है, चीफ मतलब मेन प्रोड्यूसर, तो ओशंस का मेन प्रोड्यूसर कहा जाता है इनको, डायटम्स को, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायटमेसस अर्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें जो आपको सामने दिख रही हैं, ये सारी चीजें आपको डायटम्स के बारे में अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में हमने डायटम्स पढ़ दिए, डेसमेट के बारे में आपको कुछ पढ़ना नहीं था, सिर्फ इतना याद रखना था इसे गोल्डन एल्गी कहा जाता है। ठीक, तो यहीं पे हमारा पहला क्लास खत्म होती है क्राइसोफाइट्स, दूसरे पे आ जाते हैं ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं बी डाइनोफ्लेजलेट्स, डायनोफ्लेजलेट्स
अच्छा, नाम से एक चीज बताओ, नाम से क्या लग रहा है, कितने फ्लैजिला पाए जाएंगे? फ्लैजलेट्स है ना, डाई लिखा हुआ है, डी आई, डाई मतलब दो, तो दो फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। ठीक, तो नाम से ही पता चल गया है ना। देखो, डायनोफ्लैजेट्स होते हैं ज्यादातर मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक, तो दीज आर मोस्टली मैरीन, ज्यादातर मैरीन होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सिंथेटिक। तो ये खारे पानी में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब इनमें दो फ्लैजला होते हैं क्योंकि आपने सामने ही लिखा हुआ है डाइट। ठीक है, तो हैव टू फ्लैजला। दो फ्लैजला होते हैं। अब दो फ्लैजला किस तरीके से दिखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, डायनोफ्लैजलेट का एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा बन गया। ठीक, कुछ इस तरीके से इनका डायनोफ्लेजेट्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो ये एक तरह का डायनोफ्लेजेट है। अब इसमें जो दो फ्लैजला पाए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं ये चीज देखो। तो एक फ्लैजला जो है इनके लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब इनके लेंथ के अकॉर्डिंग, ये इनकी लेंथ है ना ऊपर से नीचे, तो यहां से कुछ फ्लैजला कुछ इस तरीके से निकला रहेगा, एक फ्लैजला ये हो गया। ठीक है, और दूसरा फ्लैजला जो होता है ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री पे, तो मतलब ये इनका शरीर है और इसके इस तरीके से निकला रहेगा। ठीक है, ट्रांसवर्स वाला, तो ये फ्लैजला लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा फ्लैजला कुछ इस तरीके से निकला रहेगा, ये ट्रांसवर्स है। तो दो फ्लैजला इनके पास पाए जाते हैं, और फ्लैजला में क्या पोजिशन है वो आपको याद होनी चाहिए। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली रहता है, मतलब इनके लेंथ के अलोंग रहता है। ठीक है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड, ये राइटिंग इतनी गंदी बन रही है, एक सेकंड रुक जाओ। तो दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली रहता है एंड वन ट्रांसवर्सली, एक ट्रांसवर्स रहता है, ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। इसका क्या मतलब है, ये तो आपको पता चल गया कहाँ पर रहते हैं, बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो बेसिकली जो ये डायनोफ्लेजेट्स है इसकी हम सेल वॉल बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, ये इसके सेल वॉल है। ठीक है, ये इसके सेल वॉल है। तो एक तो लॉन्गिट्यूडनली है, दूसरा वाला जो है ये एक फरो में है, फरो मतलब होता है खांच, यहाँ पे देखो ये खांच टाइप की बन गई है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो दो जो ये सेल वॉल है यहाँ पे देखो एकदम अंदर की ओर घुस गया है सेल वॉल, तो यहाँ पे एक खांच बन गई है। ठीक है, फरो बन गया है एक, और उस फरो से दूसरा वाला फ्लैजला निकला है। तो बिटवीन वॉल प्लेट्स, वॉल प्लेट्स मतलब सेल वॉल की प्लेट्स के बीच में, ऊपर वाली सेल वॉल ये है, नीचे वाली सेल वॉल ये है, इनके बीच में यहाँ पे एक फरो बन गया है, एक खांच बन गई है, और दूसरा वाला फ्लैजला उसी खांच से बाहर निकला है। ठीक, तो एक फ्लैजला लॉन्गिट्यूडनली, एक ट्रांसवर्सली होता है, ट्रांसवर्सली वाला एक फरो से निकलता है जो कि वॉल प्लेट्स के बीच में फरो बनी है। ठीक है, अच्छा अब अगले पेज पे लिखते हैं, है ना। तो जो डायनोफ्लेजेट्स होते हैं ये बहुत सारे कलर में दिखते हैं, अलग अलग कलर में, येलो ब्लू ग्रीन, और इस वजह से क्यों होता है कलर इनके इनके अंदर, तो कलर जो है इनके पिगमेंट पे डिपेंड करता है, इनके अंदर अलग अलग तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी डायनोफ्लेजेट है, आपने दिखाया है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक लिखा है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो मतलब क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो जो फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लेजेट होंगे जिसमें क्लोरोफिल ज्यादा है वो ग्रीन कलर के दिखेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से अलग अलग पिगमेंट की वजह से इनका अलग अलग कलर होता है। दे अपियर, अपियर मतलब दिखते हैं, येलो
येलो कलर के हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। ठीक, या अपियर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज पे, किस चीज के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग, एक सेकेंड, अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, कौन सा पिगमेंट इनके अंदर पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो सेल वॉल है इनकी, जो इनकी सेल वॉल है उसमें इस तरह की प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, अलग कलर से बनाते हैं, जैसे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से कई सारी प्लेट्स पाई जाती हैं, और ये प्लेट्स जो हैं वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो सेल वॉल हैज स्टिफ, स्टिफ मतलब हार्ड, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, सेलुलोज की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स ऑन देम, तो इनके सेल वॉल पे स्टिफ यानी हार्ड सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। ठीक है, सेल वॉल पे। अब एक आखिरी पॉइंट इस उसमें, डायनोफ्लेजेट्स में एक आखिरी पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट डायनोफ्लेजेट है जिसको गोनियोलेक्स कहा जाता है। स्पेलिंग गलत हो गई, फिर से लिखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डायनोफ्लेजेट है जिसे गोनियोलेक्स कहा जाता है, GANYOULEX, गोनियोलेक्स। ठीक है, गोनियोलेक्स जो होता है रेड डायनोफ्लेजेट है। ठीक है, यानी रेड कलर का होता है। अच्छे से लिखते हैं, इट इज अ रेड डायनोफ्लेजेट। एक रेड डायनोफ्लेजेट है ये, और ये बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही तेजी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई रैपिडली, रैपिडली मतलब काफी तेज से, रैपिडली मल्टीप्लाई, रैपिडली मेकिंग सी अपियर, दैट मेक्स सी अपियर रेड, जहां पे ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ही तेजी, बहुत ही तेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस जगह पे काफी सारा गोनियोलेक्स हो जाता है थोड़ी देर में, और वो एरिया रेड कलर का दिखने लगता है। तो समुद्र का वो एरिया, क्योंकि मैरीन इन्वायरमेंट पाया जाता है, आपने शुरू में ही पढ़ा था, तो समुद्र का वो एरिया रेड कलर का हो जाएगा, और वहां पे जो लहरें उठेंगी वो रेड कलर की दिखेंगी, तो उसको हम कहते हैं रेड टाइड्स। ठीक है, सी अपियर रेड, सी अपियर रेड, नोन एज रेड टाइड्स, नोन एज रेड टाइड्स, टाइड्स मतलब लहरें, तो रेड कलर की लहरें वहां पे दिखने लगेंगी जहां पे ये तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में कि जब ये तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके अंदर से टॉक्सिन निकलता है। ठीक है, तो रिलीज, स्पेलिंग्स गलत हो जा रही, रिलीज टॉक्सिन व्हेन दे मल्टीप्लाई, तो जब ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो टॉक्सिन निकलते हैं, मल्टीप्लाई, और ये जो टॉक्सिन होता है ये जहरीला होता है, टॉक्सिन मतलब जहर एक तरह का, तो क्योंकि ये जहरीला होता है, व्हेन दे मल्टीप्लाई, रिलीज टॉक्सिन व्हेन दे मल्टीप्लाई, दैट कैन किल अदर एनिमल्स, अदर मैरीन एनिमल्स। लाइक फिशेस, ठीक है, तो जो आसपास की मछलियां हैं उसको वो मार सकता है टॉक्सिन,
जो टॉक्सिन है वो आसपास की मछलियों को किल कर सकता है, या आसपास में जो और भी मरीन एनिमल्स हैं उनको ये किल कर सकता है, ठीक है। तो ये इतनी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है क्राइसोफा डायनोफ्लेजेट्स के बारे में, ठीक है। तो गोनियोलेक्स का पॉइंट अच्छे से याद रखना, फ्लैजेला के बारे में अच्छे से याद रखना, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से मतलब कई बार पूछे गए हमें, ठीक है। तो दो क्लास हमने पढ़ ली है ना, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजेट्स हमने पढ़ दिया। अब आते हैं तीसरे पे जो कि है यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड्स अच्छा, तो यूग्लेनॉइड्स में क्या पढ़ना है आपको? यूग्लेनॉइड जो होते हैं ज्यादातर ये फ्रेश वाटर होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ज्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं। अब फ्रेश वाटर का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, तो ये वर्ड्स जो है फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, मैरीन वाटर, ये सब आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो रुके हुए पानी में ये पाए जाते हैं, रुके हुए पानी में, ठीक है। अच्छा, अब एक यूग्लेनिया आपको मैं बना के दिखा रहा हूं, एक यहाँ पे यूग्लेनिया बना रहे थे ना, एक सेकेंड, ये दोनों फ्लैजला है इसके, ठीक है। तो ये एक तरह का यूग्लिना है और इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, ये एक लेयर है इसके ऊपर, ठीक, इसका नाम है यूग्लिना, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको यूग्लिनाइड के एग्जाम्पल में आपको यूग्लिना याद रखना है, बहुत आसान है, ठीक। तो ये है यूग्लिना, तो कुछ इस तरीके से यूग्लिना होता है देखने में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है देखने लायक कि इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, और लेयर जो होती है ये सेल वॉल, मतलब सेल वॉल इनके पास नहीं पाई जाती, सेल वॉल के जगह पे ये लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल मतलब सेल वॉल होगी ही नहीं, सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, यानी प्रोटीन की बनी हुई होती है, प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है। तो पेलिकल नाम की एक लेयर पाई जाती है, तो जो येलो वाली लेयर एक्चुअली आपको दिख रही है ये क्या है, पेलिकल है ये। अच्छा, जो सेल वॉल होती है वो टफ होती है, ठीक है, वो मतलब कड़ी होती है, हार्ड होती है, ठीक, जिससे प्रोटेक्ट होता है। लेकिन जो पेलिकल है ये थोड़ी सॉफ्ट रहती है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, और इसी वजह से जो यूग्लिना है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि पेलिकल यहाँ पे है, अगर सेल वॉल होती तो ये फ्लेक्सिबल ना होता, ठीक है। तो जो पेलिकल है मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल, यूग्लिना की जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल बना देता है, लचीली बना देता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा सा लचीला होगा, ठीक। अच्छा, इनमें भी दो फ्लैजेला पाए जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू फ्लैजेला, बहुत गंदी राइटिंग हो रही है, टू फ्लैजेला पाए जाते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, एक छोटा सा और एक बड़ा सा, एंड वन लॉन्ग, ठीक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर देखा जाता है यूग्लेनॉइड्स में, वो बिहेवियर क्या है, जब तक इनके पास सनलाइट है तब तक ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो
तो सनलाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, खुद अपना खाना बना लेंगे। लेकिन मान लो सनलाइट नहीं है, तो ये क्या करेंगे, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो भी इनसे छोटा है उसको खा के अपना काम चला लेंगे। तो मतलब ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हाउएवर, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट लाइट अगर नहीं रही तो क्या करेंगे, ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ लाइट सनलाइट दे ऐसे लिख देते हैं, दे शो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, एंड फीड ऑन अदर स्मॉलर, जो भी इनसे छोटा होगा उसको खा के अपना काम चला लेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूग्लिना भी, एक सेकेंड, यूग्लिना में जो पिगमेंट्स पाया जाता है, पिगमेंट्स इन यूग्लिना, यूग्लिना या फिर यूग्लेनॉइड्स लिख लो, यूग्लेनॉइड्स, मतलब जो भी यूग्लेनॉइड्स हैं इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो हायर प्लांट्स के जैसे होते हैं, जैसे जो बड़े वाले पेड़ होते हैं, जो मैंगो का प्लांट हो गया, ठीक है, और बनाना का प्लांट हो गया। तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स, उनके उनके तरह के पिगमेंट्स इनमें भी पाए जाते हैं, ठीक। तो पिगमेंट इन यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपको वही यूग्लिना याद रखना है, यूग्लिना, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना था यूग्लेनॉइड्स में, ठीक है। तो यूग्लेनॉइड्स में यही इतनी चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, पेलिकल और फ्लैजला का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये काफी पूछे जाते हैं। तो तीसरा हो गया यूग्लेनॉइड हमारा, दो हमें और पढ़ने हैं। चौथा है हमारा स्लाइम मोल्ड्स, तो डी है हमारा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं। देखो कहाँ चला जाता है बार बार, मान लेते हैं एक ये लकड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, टहनी है, मान लेते हैं किसी पेड़ की टहनी है जो कि गिरी हुई है, ठीक है। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, जब ये टहनी सड़ने लगती है तो इस टहनी के ऊपर स्लाइम मोल्ड्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड्स हैं, और इस सड़ती हुई टहनी को ये खाने लगेंगे, ठीक। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक मतलब यही होता है, एक सेकेंड, दीज आर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक मतलब होता है फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, डेड मतलब मरा हुआ या फिर डिकेइंग, डेड और डिकेइंग मतलब सड़ने वाला, डिकेइंग मैटर, ठीक। तो सेप्रोफिटिक मतलब होता है जो सड़ी गली चीजें हैं या फिर जो मर चुकी हैं चीजें, उन पे ये ग्रो करते हैं और उसी को ये खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अच्छी कंडीशन है तो ये क्या करेंगे, इसी तरीके से ग्रो करते करते पूरा फैलते हुए चले जाएंगे, ठीक
है, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा ये। तो मतलब हजारों लाखों स्लाइम मॉल्ट जो है वो एक साथ में ऐसे ग्रो करते हुए इस पूरी टहनी को कवर कर देंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, अगर अच्छी कंडीशन है तो ये होगा, ठीक है। तो इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में हो कंडीशन, जो आपके अकॉर्डिंग हो कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशंस। अच्छा कैसी कंडीशन? जैसे टेम्परेचर आपके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर अच्छा हो, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो जल्दी चीज़ें सड़ती हैं, ठीक। और ह्यूमिडिटी मतलब हवा हो, मतलब हवा में थोड़ा सा नमी हो, ठीक। तो ये सारी कंडीशंस इनके लिए अच्छी होती हैं, इन फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है, एग्रीगेट मतलब होता है एक साथ आ जाना, या कहिए झुंड झुंड बना लेना एक तरह का, ठीक है। दे फॉर्म एन एग्रीगेट, एक साथ आ जाते हैं, एक तरह का झुंड बना लेते हैं, कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये एक्चुअली क्या बन गया है यहाँ पे? यहाँ पे प्लाज्मोडियम बन गया है, ठीक है। प्लाज्मोडियम विच कैन ग्रो ओवर सेवरल फीट्स, मतलब कई फीट तक ग्रो कर सकता है ये। तो पूरी की पूरी लकड़ी को ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, उस पर पूरा का पूरा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशन की बात हो गई, ठीक। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी ना हो तो क्या होगा? तो इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, अगर अच्छी कंडीशन ना हो तो क्या होगा? तो जब अच्छी कंडीशन नहीं होती तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम इन्होंने बनाया था, आपस में ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके एक झुंड बना लिए थे। अब ये झुंड क्या होगा, टूटेगा। तो अब स्लाइम मॉल्ट जितने भी हैं वो एक दूसरे से टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे फ्लोटिंग बॉडीज कहा जाता है, ठीक, फ्लोटिंग बॉडी कहा जाता है। तो इन अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम बना है, डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज बना देते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी होती क्या है, एक सेकेंड, फ्रूटिंग बॉडीज आपको कई बार ये टर्म देखने को मिलेगा, फ्रूटिंग बॉडीज मतलब ऐसी बॉडी या फिर ऐसी चीज जिसके ऊपर स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स स्पोर, ये स्पोर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये जो फ्लोटिंग बॉडीज हैं ये स्पोर बनाती हैं, ठीक है। और ये स्पोर जो होता है, इसकी भी थोड़ी सी खासियत है जो कि आपको याद रखनी है, स्पोर्स आर, एक सेकेंड, स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल्स, ट्रू वॉल्स, बेसिकली सेल वॉल की बात हो रही है, ट्रू वॉल्स एंड दे कैन सर्वाइव सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स मतलब खराब कंडीशंस में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशंस, है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, स्पोर्स जो हैं इनमें ट्रू वॉल्स पाई जाती हैं, सेल वॉल पाई जाती है बेसिकली, ठीक है। और ये स्पोर कैसे फैलते हैं, अब स्पोर बन गए, स्पोर जो है इससे रिप्रोडक्शन होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कैसे फैलते हैं, तो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड मतलब फैलना, आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, ये एयर करंट से फैलते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, ठीक है। तो बस यहीं पे ये पॉइंट हमारा खत्म होता है स्लाइम मोल्ड्स का, ठीक। अब आ जाते हैं ई पे, ई तो आखिरी है हमारा प्रोटोजोन, ठीक, प्रोटोजोन आखिरी है हमारा। तो प्रोटोजोन पे आ जाते हैं, जो प्रोटोजोन होते हैं इनका नाम कई बार आपने सुना होगा, है ना, 9th 10th में शायद भी इनका नाम आता ही रहता है ना। जैसे अमीबा, अमीबा एक प्रोटोजोन है। तो जो प्रोटोजोन होते हैं ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं सारे के सारे, ऑल
हेटरोट्रॉफिक, सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। इनको अब देखो हेटरोट्रॉफिक, ये सारे सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी हेटरोट्रॉफिक, जैसे हम लोग हैं, हम भी हेटरोट्रॉफिक, हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, तो ये भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हम भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और हमारे इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने मिलती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कॉल्ड प्रिमिटिव रिलेटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना, काफ़ी ज़्यादा पुराना, प्रिमिटिव रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, इनको एनिमल्स का पुराना रिश्तेदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यही जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज हुआ, एवोल्यूशन हुआ, और उसी से एनिमल्स बने, ठीक है, ह्यूमंस बने उसी से, तो इनको प्रिमिटिव यानी पुराना रिश्तेदार कहा जाता है एनिमल्स का, ठीक है। अब चार तरह के प्रोटोजोअन होते हैं, चारों हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है एमीबॉयड प्रोटोजोअन, अब वही अमीबॉयड प्रोटोजन मतलब अमीबा की तरह होगा, अमीबा को आपको पता ही है कुछ इस तरीके से रहता है अमीबा, है ना, और इसमें फॉल्स फिट रहते हैं, मान लेते हैं इस पॉट को हम फॉल्स फिट कह दे रहे हैं, फॉल्स फिट या प्लाज्मा स्यूडोपोडिया कहते हैं ना, फॉल्स फिट, जो फॉल्स फिट होता है ये एक तरह का पैर होता है जो बनता रहता है, खराब होता रहता है, इससे लोकोमोशन हो जाता है अमीबॉयड प्रोटोजोन में, जैसे अमीबा हो गए ये इससे चल सकते हैं, ठीक है, फॉल्स फिट से। तो जो अमीबॉयड प्रोटोजोन होते हैं मूव एंड कैप्चर प्रे, और प्रे को कैप्चर करते हैं बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। देखने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, तो मूवमेंट में तो ये काम आएगा ही, क्योंकि एक तरह का फूड मतलब उसके तरह काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए ये खाना है, ठीक है, और इस खाने को, इस अमीबा को खाना है, ठीक है, मतलब ये कोई भी फूड है जो कि अमीबा को चाहिए, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये, तो अमीबा क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को इस तरीके से इसके आगे आगे पीछे ऐसे लगाता चला जाता है, ठीक है, तो अमीबा का शेप कुछ इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद अमीबा क्या करेगा, अपने शेप को कुछ इस तरीके से कर लेगा, इस तरीके से, और ये खाना यहाँ पे रह जाएगा, तो खाना धीमे धीमे उसमें ट्रैप होता चला जाता है, और फिर उसके बाद अमीबा के अंदर चला आता है खाना, ये खाना इसके अंदर आ गया। तो स्यूडोपोडिया जो है मूवमेंट में भी काम आते हैं, और प्रे को कैप्चर करने में, प्रे मतलब शिकार, शिकार को कैप्चर करने में भी काम आते हैं, प्रे मतलब शिकार, ठीक है। कई लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी, मुझे पता है काफी लोगों की अच्छी होगी, लेकिन कई लोगों को बायो में काफी ज्यादा इसी वजह से दिक्कत होती है क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो वो याद करते रहते हैं। अब इंग्लिश जो है वो एकदम बकवास चीज़ है, ठीक है, मतलब अच्छी है याद, मतलब बोलने में ठीक है, लेकिन मतलब इंग्लिश की वजह से उनका रुकना नहीं चाहिए थोड़ा, इसी वजह से मैं इंग्लिश में जहाँ पे भी दिक्कत होती है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। मूवमेंट कैप्चर प्रे बाई पुटिंग आउट, पुटिंग आउट मतलब निकालना, बाहर निकालना, पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट, जिसे फॉल्स फीट भी कहा जाता है, ठीक है, तो स्यूडोपोडिया इनमें पाया जाता है। अच्छा, जो मैरीन फॉर्म्स होते हैं यानी मैरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले, खारे पानी में रहने वाले, हैव सिलिका ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस पे सिलिका पाई जाती है, देयर सरफेस, ठीक है। एग्जाम्पल में दो आपको याद रखने हैं, अमीबा एंड एंटमीबा, एंटमीबा से बीमारी भी होती है, एंटमीबा हिस्टोलिट का नाम का एक पैरासाइट है बेसिकली, ठीक है, इससे हमारे अंदर एक बीमारी भी होती है जिसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अमीबा और एंटमीबा याद करना बहुत आसान है, अमीबॉयड के एग्जाम्पल में एंटमीबा और अमीबा, ठीक है, चलते हैं आगे। तो पहला हो गया ये एमीबॉयड, यहाँ पे हम वन लिख लेते हैं ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वन, तो एमीबॉयड हमने पढ़ लिया, अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा है हमारा फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन,
अच्छा नाम में लिखा है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन, तो इसके पास फ्लैजलेटा हो फ्लैजले सॉरी इसके पास फ्लैजला होगा या सीलिया होगा? ऑब्वियसली फ्लैजला होगा क्योंकि नाम में ही दिख रहा है। ठीक है, तो दे हैव फ्लैजला, सबसे बड़ी बात। फ्लैजला। और एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इससे एक डिसीज होती है जो कि नीट में कई बार पूछी भी जाती है। इससे एक डिसीज होती है, कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस, सोने में दिक्कत होती है, स्लीपिंग सिकनेस। तो पूछा जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो आपको पता होना चाहिए ट्राइपैनोसोमा से होता है। या फिर ये भी पूछा जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस किस तरह के प्रोटोजोन से होता है, तो फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन से होता है। ठीक, तो ये दोनों चीज आपको याद करनी है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। ठीक है, बस हो गया खत्म, तीसरे पे आ जाओ। चार पढ़ने थे, सीलिएटेड। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन में सीलिया होगा या फ्लैजला होगा आप बताओ? ऑब्वियसली सीलिया ही होगा, है ना? सीलिएटेड प्रोटोजोन में सीलिया पाए जाएंगे। ठीक, हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों सीलिया होते हैं। सीलिया बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो सीलिया फ्लैजला में अगर थोड़ा सा आपको बताएं हम, तो जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, जो सीलिया होते हैं छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं, ये इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, कई सारे रहेंगे, पूरी बॉडी पे रहेंगे इस तरीके से। जो फ्लैजला होते हैं वो बड़े होते हैं और एक दो रहते हैं या तीन चार रहते हैं। ठीक है, कम नंबर में रहते हैं। तो सीलिया फ्लैजला में ये अंतर रहता है। ठीक, दोनों क्या काम आते हैं? दोनों मूवमेंट में काम में आते हैं। ये भी चला सकता है, जो बॉडी है उसको हिला सकता है, मूव करा सकता है। ठीक है, चलने में काम में आता है, ये भी चलने में काम में आता है। ठीक, हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। जैसे कि एक एग्जांपल काफी ज्यादा सीलिएटेड प्रोटोजोन का फेमस है, पैरामीसियम। तो पैरामीसियम मैं यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, चप्पल की तरह होता है देखने में। ठीक, ये इस तरह का पैरामीसियम होता है और इसमें कई सारे सीलिया यहाँ पे सरफेस पे पाए जाएंगे, पूरी बॉडी पे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होंगे सीलिया। अच्छा, ये पार्ट क्या है जो मैंने यहाँ पे बनाया है? तो ये जो पार्ट है इसको हम गलट कहते हैं। गलट बेसिकली क्या है? पैरामीसियम का मुंह है। ठीक है, ये पैरामीसियम हम यहाँ पे लिख देते हैं। गलट जो है बेसिकली पैरामीसियम के मुंह है, इसी साइड इसी के अंदर इससे खाना जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो खाना जाता है वो गलट से होता हुआ जाता है। ठीक, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलट, दे हैव अ कैविटी, इनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है कॉल्ड गलट, जिसे हम गलट कहते हैं। अच्छा, गलट के अंदर खाना आता है, कैसे आता है? तो जो सीलिया होते हैं, ये जो आसपास सीलिया आप देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। कोऑर्डिनेटेड मतलब आपस में साझा मूवमेंट, एक दूसरे से समझ के किस तरह मूव करना है। ठीक है, तो जब ये मूव करेंगे एक तरीके से, एक पैटर्न में मूव करेंगे बेसिकली, तो जो खाना जो पानी होगा वो पानी इनके गलट में जाने लगेगा, इनकी कैविटी में पानी जाने लगेगा, और उसी पानी में कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहेंगे। तो जो वाटर है वो फूड से बेसिकली लदा हुआ, फूड से वाटर वो इनके गलट में चला जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखो, कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड मतलब आपस में साझा मूवमेंट जो होता है, एक दूसरे से समझ के मूवमेंट, ये नहीं कि रैंडम मूव कर रहे हैं, एक पैटर्न में मूव करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया कॉजेस वाटर, वाटर लेडन विथ फूड, लेडन विथ फूड मतलब फूड से लदा हुआ। ठीक है, विथ फूड,
फूड के नाम पे क्या, जो भी पानी में फूड है, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म, जो भी इससे छोटे ऑर्गेनिज्म है उनको ले लेगा, और क्या। फूड एंटर इनटू गलेट, गलेट ठीक है, तो गलेट से इसमें फूड एंटर कर जाता है। एक सेकंड, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, पैरामीशियम। एग्जाम्पल तो लिखा हुआ है ऊपर, आप इस ये लिखा हुआ है, तो ये पैरामीशियम ध्यान रखिएगा, एक तरह का सीलिएटेड प्रोटोजोन है। ठीक है, हो गया, अब आते हैं स्पोरोजोन्स में लास्ट। स्पोरोजोन्स, जैसे नाम बता रहा है, इनमें स्पोर पाया जाता है, जो स्पोरन्स होते हैं, स्पोरोजोन्स होते हैं, हैव इन्फेक्सियस स्पोर लाइक स्टेज, एक ना एक स्पोर की तरह की स्टेज जरूर होगी, स्पोर लाइक स्टेज। इन दियर लाइफ साइकिल, ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल में एक ना एक स्पोर लाइक स्टेज जरूर होगी, और ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है, और ये डिसीज कॉज कर सकते हैं ना, जिससे इन्फेक्शन होगा वैसे डिसीज कॉज करता होगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम एक तरह का स्पोरोजोन है, और ये कौन सी डिसीज करता है, मलेरिया, मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम की एक स्पोर वाली स्टेज आती है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में हम स्पोर वाली स्टेज को पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो पढ़ते क्या है, उसके नाम के बारे में जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेकिन अभी जरूरत है नहीं, तो अभी कोई दिक्कत, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो ये हो गया स्पोरोजोन्स, और यहीं पे हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ, मतलब किंगडम खत्म हुआ प्रोटिस्टा। ठीक है, तो हमने ये पूरा पढ़ दिया, स्लाइम मोल्ड्स हमने पढ़ लिया, यूग्लेनॉइड पढ़ लिए, डायनोफ्लैजेलेट पढ़ लिए, और क्राइसोफाइट्स भी पढ़ लिए, प्रोटोजोअन भी पढ़ लिए। ठीक है, तो पांचों क्लासेस हमने पढ़ ली प्रोटिस्टा के अंदर, यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा खत्म होता है। अब इसके बाद जो है हमने मोनरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा, आ जाता है फंजाई, तो इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फंजाई, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई कमेंट हो या कुछ भी हो, आप बताना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाय।